रॉजर्स, मैंने कहा लाइन में लग जाओ। बड़े हरामी हो बेटा। जंग हथियारों से लड़ी जाती है पर जीती आदमियों से जाती है। हम ये जंग जीतेंगे क्योंकि हमारे पास दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हैं। सुन लिया भाई, तरफ से दोहराना मत। डॉक्टर चाहिए? मुझे तो नए फेफड़े लगवाने पड़ेंगे यार। कितना तेज दौड़े तुम, 30 सेकंड में 13 मील। लगता है सुस्त हो गए। सच ये बोलते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जाओ एक और चक्कर लगा करो। लगा भी दिया? अब तक तो एक और लगा ही लिया। सैम विल्सन, स्टीव रॉजर्स। वैसे मैं समझ गया था, इतने साल बर्फ में रहने के बाद दिमाग जम गया होगा ना। हाँ, पिघलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। तुमसे मिलकर खुशी हुई सैम। तुम ठीक से सो पाते हो? क्या कहा? तुम्हारा बिस्तर बहुत नरम होगा ना। जंग में मैं जमीन पर सोता था, चट्टान को तकिया बनाकर, गुफा वासियों की तरह। अब मेरा घर है, खुद का बिस्तर है। लगता है जैसे बादलों पर सो रहे हो और परियां तुम्हें झुला रही है। वहां कब तक थे? 2 जंग लड़ी। तुम्हें तो पुराने दिन बड़े याद आते होंगे। हाँ हालात इतने भी बुरे नहीं है, खाना पहले से बेहतर है। हम तो हर चीज उबाला करते थे, अब पोलियो भी नहीं है। इंटरनेट कमाल की चीज है। समझ रहे हो? पुलाव आ गया। दौड़ के लिए शुक्रिया, अगर स्टैनले को दौड़ना कहते हो तो। ओ, ये बात है। यही बात है। सिपाहियों सावधान। जेंटलमैन, मैं हूँ एजेंट कार्टर। मैं इस विभाग के सभी ऑपरेशन सुपरवाइज करती हूँ। ये अंग्रेजों की तरह क्यों बोल रही हो महारानी विक्टोरिया? मुझे लगा था मैं अमेरिकन सेना में भर्ती हुआ हूँ। तुम्हारा नाम क्या है सिपाही? गिलमोर हॉज, महारानी साहिबा। आगे आओ हॉज, अपना दायां पैर आगे बढ़ाओ। हम कुश्ती लड़ने वाले हैं क्या? मुझे ऐसे दांव आते हैं जो आप जरूर पसंद करेंगे। आ भाई। कैसी लगी? आगे स्वाद। एजेंट कार्टर। कर्नल फिलिप्स। लगता है तुमने इनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी है, बहुत बढ़िया। चलो उठकर धूल झाड़ो और लाइन में सावधान होकर खड़े रहो जब तक कि कोई ये ना बताए कि क्या करना है। यस सर। जनरल पैटन, उन्होंने कहा है जंग हथियारों से लड़ी जाती है पर जीती आदमियों से जाती है। हम ये जंग जीतेंगे क्योंकि हमारे पास दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हैं। इसलिए जीतेंगे कि वो बेहतर हो जाए। अब ठीक है। 2000 years later। जल्दी करो, जल्दी भागो, जल्दी भागो। क्योंकि रफ्तार से चलो, चलो और तेज, और तेज। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इस झंडे का मतलब है कि अभी हम आधे रास्ते ही पहुंचे हैं। जो इस झंडे को लेकर आएगा वो एजेंट कार्टर के साथ वापस जाएगा। चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। किसमें दम है जो इस झंडे को नीचे उतारेगा? और अगर तुम में दम है तो इस झंडे को नीचे उतारो। चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। क्या कमजोर की तरह ऊपर चढ़ रहे हो? पिछले 17 सालों से कोई वो झंडा नीचे नहीं ला पाया। चलो वापस लाइन में लग जाओ। जल्दी करो, जल्दी करो, वापस अपनी जगह पर आ जाओ। रॉजर्स, मैंने कहा लाइन में लग जाओ। बड़े हरामी हो बेटा। हम सब तो लड़ने बहनचोद। पूरे यूरोप को तहस नहस करती जा रही है।
कठिले बदन वाले जवानों की उमड़ती भीड़ जल्द ही हमें मदद करने और अपने देश की सेवा करने पहुंच जाएगी। यहां तक कि छोटा टिमी भी किसी से पीछे नहीं। शाबाश टिमी। क्या फर्क पड़ता है, जल्दी खत्म करो पिक्चर। आप थोड़ी इज्जत से पेश आएंगे। इस बीच विदेशों में हमारे बहादुर नौजवान दुश्मनी ताकतों को दिखा रहे हैं कि आजादी की कीमत जितनी भी चुकानी पड़े कम है। अरे क्या पका रहा है यार, खत्म करो इसे, कोई कार्टून फिल्म लगाओ यार। मुंह बंद करो अपना। मित्र राष्ट्र सेनाओं के साथ हम हर खतरे का सामना करेंगे, वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। बहुत पटर पटर कर रहा था ना, और मार खाएगा। मुझे बहुत सहन शक्ति है। ए, इससे क्या लड़ता, मुझसे लड़। कभी कभी लगता है कि तुम्हें मार खाने में बड़ा मजा आता है। मैं बस उसे हराने ही वाला था। गांड फटे तो फटे, नबाबी ना घटे।